हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशिद शेख। तो आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक नई मूवी जिसका नाम है सिक्स अंडरग्राउंड। ये मूवी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो ये मूवी देखकर मुझे कैसा लगा मैं बात करूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करो तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस मूवी को डायरेक्ट किया है माइकल बे ने। माइकल बे जाने जाते हैं अपनी एक्शन फिल्मों के लिए। उनकी कुछ फेमस फिल्में हैं आर्मेगेडन, पर्ल हार्बर और ट्रांसफॉर्मर्स की सीरीज। इस मूवी में हमें नजर आते हैं रायन रेनॉल्ड्स, मेलिनी लॉरेंट, मैनुअल गार्सिया, एड्रे अर्जोना, कोरी हॉकिंस, बेन हार्डी और डेव फ्रेंको। तो मूवी की कहानी शुरू होती है 6 लोगों की एक टीम से, जिस टीम का नाम होता है गोस्ट। वो इसीलिए क्योंकि वो सरकार और उनकी फैमिली के लिए मर चुके हैं। ऐसा करने की उनकी एक वजह है। वो लोग दुनिया भर के कुछ ऐसे तानाशाह या आप कह सकते हो कि किसी देश के मिनिस्टर, जिनके वजह से दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है, जो लोग बेगुनाह को मारते हैं। फॉर एग्जांपल सीरिया या फिलिस्तीन जैसे कंट्री में किस तरह वहां के लोग परेशान है तो आप लोग तो जानते ही हो। तो रायन रेनॉल्ड्स जो इस टीम के लीडर होते हैं, वो इस टीम के पहले शख्स होते हैं जो फेक डेथ का सहारा लेके बाकी के मेंबर्स को जमा करते हैं। इनफैक्ट टोटल 7 मेंबर्स होते हैं पर एक मेंबर शुरुआत में मर जाता है। तो बस इन लोग का मिशन है कि किसी भी तरह से उन तानाशाहों को मारना ताकि दुनिया में फिर से अमन और शांति हो। तो क्या वो लोग इस मिशन में कामयाब हो पाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि ये मूवी मुझे कैसे लगी। भाई ये इस मूवी में फुल ऑन एक्शन है, स्टार्ट से लेकर एंड तक सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही देखने को मिलेगा। इस मूवी का जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है वहां पर आपको ऐसा एक्शन सीन देखने को मिलेगा, उसे देखकर आपका दिल करेगा। यानी कि लास्ट क्लाइमेक्स का सीन तो नहीं, क्योंकि लगभग 15 मिनट का वो एक्शन सीक्वेंस है, उसमें आपको कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे। तो वो देखकर मैं यही सोच रहा था कि लगता है ये मूवी का लास्ट पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये मूवी का स्टार्ट पार्ट था, उसके बाद हमें और भी एक्शन सीन्स देखने को मिले। उसके अलावा यहाँ पर आपको रायन रेनॉल्ड्स की कॉमेडी देखने को मिली। रायन रेनॉल्ड्स की अगर आपने डेडपूल मूवीज देखी है तो उसमें किस तरीके से उसका एक्शन हो रहा है और बीच में वो कॉमेडी करता, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप को कुछ इसी तरीके से रायन रेनॉल्ड्स देखने को मिलेंगे। प्लस उनके जितने भी यहाँ पर टीम मेंबर्स बताए उनका भी काम मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। डायरेक्शन की बात करूँ तो डायरेक्शन भी मुझे ओके लगा। कहीं से भी ये मूवी बोर नहीं करती है। ये मूवी एक आर रेटेड मूवी, यानी कि ये मूवी में आपको वायलेंस भी देखने को मिलता है और यहाँ पे कुछ एडल्ट सीन्स भी है, तो इस वजह से ये बच्चों के लिए या फैमिली के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एक एंटरटेनमेंट है, एडल्ट्स के लिए बनाई गई फिल्म है। और स्पेशली रायन रेनॉल्ड्स के फैन और जो माइकल बे का जो अलग अंदाज होता है फिल्में बनाने का, बस उसी तरीके से बनाई गई ये फिल्म है। ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप ये मूवीज देखना है तो आप इसे नेटफ्लिक्स पे जरूर देखो। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन।